हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSAB NEET 2022 के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों का इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से रिलीज होने वाला है गाइस, साथ ही इसका जो है सिलेबस क्या है, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न किस तरह से चेक करना है, कौन कौन यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल है, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दे दी गई, उस लिंक पे क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या आने के बाद सबसे पहले आपको मैं इसका फुल फॉर्म बता दूँ, आप देख सकते हैं CSAB यानी कि सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे जो है CSAB NEET का फुल फॉर्म है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें टोटल यहाँ पे जैसे 12 यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, 12 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। ठीक है, इसी इतने आइलैंड्स है टोटल। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 2 राउंड होते हैं स्टेट अलोकेशन के। भाई इसके बारे में और डिटेल में जानते लाइक इसके हाइलाइट्स देखते हैं। इसका फुल फॉर्म ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गाइस। टाइप ऑफ एग्जाम UG लेवल है, लेवल सेंट्रल लेवल है गाइस, यानी कि कोई भी यहाँ पे जो है इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपको ऑल टाइप ऑफ UG कोर्सेज गाइस मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी गाइस ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू गाइस यहाँ पे आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में रिलीज होगा, साथ ही साथ आपका जो एग्जाम है ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि पेन पेपर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। टोटल 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, आपको 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा और लास्ट में यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है। अब बात करेंगे कैसे यहाँ पे डेट्स की, तो डेट्स यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स प्रोवाइड करा दी गई है, अभी तक ऑफिशियल डेट्स नहीं रिलीज हुई है, लेकिन जैसे ऑफिशियल डेट्स रिलीज होगी आप लोगों को जो नोटिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाएगा तो गाइस आप लोगों का जो है CSAB NEET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2022 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम गाइस अगर आप कोई भी गड़बड़ करते हैं तो इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इनडेक्ट आपको क्या करना है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक जो है वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा, हर एक सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। यहाँ तक कि गाइस आपको उस वीडियो में एप्लीकेशन फ़ी भी पे करके बताई जाएगी, तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि आपका एप्लीकेशन फिल करने में कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं 2000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। अब गाइस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद गाइस आप लोगों को जो है सिंपली क्या करना रहेगा, आपको नेक्स्ट अपने पर्सनल डिटेल्स एंटर करने लाइक आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, देन आपको जो है गाइस यहाँ पे अपने जो है एकेडमिक डिटेल्स एंटर करनी है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। अब उसी तरह से गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो गाइस इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के पहले आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना कंपलसरी है। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो गाइस आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइस देख सकते हैं अगर आप BE BTech कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो 12th पास आउट रहने चाहिए विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट, और उसी के साथ में गाइस केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशन सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके रहने चाहिए जिसमें आपके 45% मार्क्स यहाँ पे आने कंपलसरी है। उसी तरह से अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स यहाँ पे आपके आए रहेंगे तो भी चलेगा। साथ ही साथ आपके मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स यहाँ पे गाइस रहने चाहिए। नेक्स्ट बात कीजिए आप यहाँ पे गाइस मेरिट लिस्ट की, तो गाइस मेरिट लिस्ट आप लोगों की यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होगी उसमें गाइस टोटल 3 ऑप्शन रहेंगे, फ्लोट, स्लाइड एंड फ्रीज। अब गाइस जैसे आपका पूरा ये तीनों का जो प्रोसेस आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो सीट अलॉट की जाएगी। अब गाइस ये फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज क्या होता है गाइस ये मेरिट लिस्ट में काउंसलिंग प्रोसीजर में, एडमिशन प्रोसीजर में, तो गाइस ये जब मेरिट लिस्ट आपकी रिलीज होगी उस टाइम पर हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें कम्प्लीटली पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे हम। साथ ही साथ ये फ्लोट, स्लाइड एंड फ्रीज ये क्या होते हैं तीनों ऑप्शन आपको, अगर फ्रीज मिला है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर फ्लोट है तो उसका मतलब क्या, या फिर स्लाइड आप करना चाहते हो तो क्या वो प्रोसेस रहेगा, हर एक डिटेल पूरा डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को यहाँ पे CSAB NEET के बारे में कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई डिटेल जाननी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।